लेसन है हमारा बेटा मैंगो ट्री। ट्री मतलब पेड़ होता है, मैंगो मतलब पता है ना आम। अब वेदर आने वाला है ना मैंगो का, मार्केट में मिल रहे हैं ना। लेसन है आपका मैंगो ट्री। वासु, आमिर, पायल एंड लीला आर प्लेइंग अंडर अ मैंगो ट्री। इसमें जो ये बच्चे हैं देखो, ये रहा वासु, पायल, आमिर और लीला, ये चार बच्चे हैं। आर प्लेइंग अंडर अ मैंगो ट्री मीन्स ये मैंगो ट्री के नीचे खेल रहे हैं। अंडर मतलब नीचे और प्ले मतलब खेलना। व्हाट फन इट इज टू प्ले हेयर, ये कौन है आमिर, तो आमिर कह रहा है व्हाट फन इज इट टू प्ले हेयर। यहाँ फन मतलब होता है मजा, हेयर मतलब यहाँ, कह रहा है यहाँ खेलने में क्या मजा आ रहा है। अब लीला, लीला क्या कहती है, यस इट इज वेरी कूल हेयर, कूल मतलब ठंडा, तो कह रही यहाँ बहुत ठंडक है। आप कभी भी किसी भी ट्री के नीचे बैठो ना, इवन समर्स में भी, तो वहाँ पे शेड छाया होती है और वहाँ पे हमें ठंडा ठंडा लगता है। नेक्स्ट, अब ये क्या कह रहा है, डू यू सी अ नेस्ट। अब ये डूम और ये क्वेश्चन है ना, तो यानी वो पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, डू यू सी अ नेस्ट, क्या तुमने यहाँ नेस्ट देखा, ये रहा नेस्ट घोंसला। आई थिंक देयर आर बेबी बर्ड्स इन इट, तो आई थिंक मतलब सोचना, थिंक मतलब क्या होता है सोचना, तो वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ शायद इसमें बेबी बर्ड्स यानी बर्ड्स के छोटे छोटे बच्चे हैं, बर्ड्स के छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर ये यस आई कैन हियर चिरप चिरप, बच्चे जो होते हैं वो जो बर्ड्स हैं वो कैसे साउंड निकालते हैं, चिरपिंग वाली साउंड निकालते हैं ना, ची ची करते हैं, तो वो यही कह रहा है यस आई कैन हियर, ये कह रहा है कि हाँ मैं सुन सकता हूँ। ये रेड शर्ट वाला कौन था, वासु, वासु कह रहा है कि हाँ मैं सुन सकता हूँ। अब ये ब्लू, ब्लू शर्ट में थी पायल, तो वो कह रही हे दैट्स मैंगो इज अबाउट टू फॉल कैच इट। दैट्स मैंगो मतलब वो मैंगो जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो चीज़ दूर होती है तो हम तब क्या लगाते हैं दैट, वो मैंगो जो है अबाउट टू फॉल, अबाउट टू फॉल मतलब गिरने वाला है, फॉल मतलब होता है गिरना, अबाउट टू फॉल मतलब वो गिरने वाला है। कैच इट कहती है उसे कैच कर लो, उसको पकड़ लो। अब देखो क्या कह रहे हैं, यस इट इज, सॉरी इट इज रेनिंग। अब वहां सडनली इट बिगिन्स टू रेन, और सडनली की हिंदी होती है अचानक, सडनली मतलब अचानक, अचानक से, बिगिन मतलब शुरू होना, अचानक से वहां पे बारिश शुरू हो जाती है। इट इज रेनिंग बट वी आर नॉट वेट, क्या कह रहा है, बारिश हो रही है लेकिन, बट मतलब लेकिन, वी आर नॉट वेट, हम गीले नहीं हुए, वेट मतलब गीला, हम गीले नहीं हुए। वी हैव अ बिग ग्रीन अम्ब्रेला, वो कह रहे हैं हमारे पास तो एक बहुत बड़ा ग्रीन अम्ब्रेला है, मतलब वो किसकी बात कर रहे थे, इस मैंगो ट्री की बात कर रहे थे, वो मैंगो ट्री के नीचे खड़े थे इसलिए जब बारिश हो रही थी तो वो गीले नहीं हुए। पायल एंड लीला इंजॉय द जूसी मैंगोज, इंजॉय मतलब मजे करना, जूसी मैंगोज, तो पायल और लीला जो हैं वो जूसी मैंगोज के मजे ले रही थी, मतलब वो जूसी मैंगो खा रही थी, उसे मजे करके खा रही थी, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। ओ सच स्वीट मैंगो, स्वीट मतलब मीठा, तो वो कह रही है ठीक है कि कितना मीठा मैंगो है, वो कह रही है लीला, यस ये कपड़ों से पता चल रहा है ना, लीला कह रही है हाँ मीठा है। अब ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडफादर प्लांटेड दैट ट्री, तो वो कह रहे हैं जो बाहर ट्री के नीचे वो खेल रहे थे ना, कह रहे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने वो ट्री लगाया था, उसको उगाया था। आई रिमेंबर आई हैव्ड हिम, और कह रहे मुझे याद है, ये कह रहे हैं फादर होंगे, ये फादर, ये मदर, ये ग्रैंड पेरेंट्स और ये बच्चे, तो वो फादर कह रहे हैं इन बच्चों के कि हाँ आई रिमेंबर मतलब याद, मुझे याद है आई हैव्ड हिम, मैंने इनकी मदद की थी, यानी वो फादर कह रहे हैं कि मैंने अपने फादर की मदद की थी। अब द चिल्ड्रन वॉन्ट टू प्लांट अ ट्री, अब वो बच्चे भी एक पेड़ लगाना चाहते थे। डैडी वी टू, इस टू, टी डबल ओ टू का मतलब होता है भी, डैडी वी टू मतलब हम भी,
वॉन्ट टू प्लांट अ ट्री, एक प्लांट लगाना चाहते हैं. वॉन्ट मतलब चाहना, लाइकिंग. इट विल गिव अस फ्रूट, वो हमें फ्रूट देगा. आगे फ्यूचर में देगा ना, अभी तो प्लांट लगाएंगे, वो फ्रूट तो बाद में मिलेगा. इट विल गिव अस शेड, वो हमें छाया देगा. इट विल बी अ होम फॉर बर्ड्स एंड स्क्विरल्स. स्क्विरल्स होता है गिलहरियां, तो पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर भी गिलहरियां रहती हैं, और कौन रहता है, बर्ड्स. तो वो कहते हैं इट विल बी अ होम फॉर बर्ड्स एंड स्क्विरल्स, वो स्क्विरल्स और बर्ड्स के लिए घर होगा. क्यों? क्योंकि उस पेड़ पे वो अपना नेस्ट बनाएंगे. ओ हेयर वी गो, कहते चलो अब चलें. वो पौधा लगा रहे हैं ना, प्लांट लगा रहे हैं, डिग अ होल. अब प्लांट लगाने के लिए पहले क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदना पड़ता है ना, तो वो तभी कह रहे हैं डिग अ होल. प्लांट अ मैंगो सीड इन इट, अब इसमें एक मैंगो का सीड डाल दो. वो बड़ा सा सीड आता है ना मैंगो के अंदर, जब मैंगो खाते हैं तो कह रहे हैं वो इसके अंदर डाल दो. वाटर द प्लांट, अब उसको पानी दो. एंड टेक केयर ऑफ इट, टेक केयर मतलब ध्यान रखना, और उसका ध्यान रखना. अब जब आप प्लांट उगाते हो तो आपको उसका कैसे ध्यान रखना है, उसको रोज वाटर देना है, पानी देना है, और उसे खाद मैन्यूर भी देना है, मतलब उसका खाना, ये सब उसको करना है.